नमस्कार। आज सत्याग्रह में हम लोग बात करना चाहेंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन को और उसकी धार को तेज करने की अब कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टरों की परेड निकली, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हालांकि उसको सरकार और सरकार के प्रभाव में मीडिया ने उसको बदनाम कर दिया, ये कह के कि हिंसा हुई। जबकि हिंसा देखा जाए तो वो उसका जो खामियाजा था वो तो किसानों को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि एक किसान के बेटे की जान गई। पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई, जरूर पुलिस वालों ने भी लोगों को मारा, तस्वीरें हैं, लोग घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए, और लाल किले पे कुछ जरूर तोड़फोड़ हुई और एक मंचले ने जाके वहां पे निशान साहेब का झंडा लगाया। ये झंडा तिरंगे के नीचे लगाया गया था, नीचे और बगल में, तिरंगे को हटा के नहीं लगाया गया था। इसके बावजूद ये कहा गया कि तिरंगा का अपमान हुआ और सरकार ने पूरा ऐसा एक माहौल बनाया कि हिंसा होने की वजह से अब और कोई रास्ता नहीं है सरकार के सिवाय के सामने, सिवाय इसके कि वो आंदोलन का दमन करे। और पुलिस और सुरक्षा बल तो वहां थे ही, ये भी खबर है कि गाड़ियों में भर के गुंडे लाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनके पास हथियार थे और वो किसानों पे हमला करना चाहते थे, उनके साथ मारपीट करना चाहते थे। लेकिन ये तो राकेश टिकैत वहां भाव विभोर हो गए और वो रोने लगे, जिसकी वजह से पूरा माहौल बन गया और सारी सहानुभूति फिर से किसानों के साथ हो गई जनता की। और किसानों ने भी तय किया कि वो टिकैत का ने जो अपने आप को असहाय महसूस किया, उनको वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बल्कि हरियाणा और पंजाब से भी किसान वहां पे सीमा पे पहुंचने लगे। तो किसान आंदोलन तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, मीडिया द्वारा उसको बदनाम करने के प्रयास के बावजूद वो ज्यादा मजबूत होके निकला है। मैं तो ये कहूंगा, मीडिया लिख रहा था कि किसान वापस जा रहे हैं 26 जनवरी के बाद, जबकि हकीकत ये थी कि वही लोग वापस जा रहे थे जो सिर्फ 26 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। वो लोग नहीं जा रहे थे जो वहां लंबे समय की तैयारी के साथ बैठे हुए थे, आज भी बैठे हैं। संख्या पहले से ज्यादा हो गई है। खबर ये भी है कि पंजाब हरियाणा में तो जगह जगह धरने शुरू हो गए हैं और पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है। और सरकार दमन के रास्ते चाहती है कि इस आंदोलन को कुचला जाए। अभी भी प्रधानमंत्री नक्सली और आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान के लिए। उनका कहना है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो आतंकी हैं, नक्सली हैं। तो ये जो पूरी कोशिश है सरकार की आंदोलन को बदनाम करने की, ये सफल नहीं होने वाली है। हर एक आंदोलन में कुछ अराजक तत्व होता है और वो उसको उससे सरकार को निपटना पड़ेगा। आंदोलन की भी जिम्मेदारी है कि अराजक तत्वों को वो शामिल न होने दे, लेकिन इतने बड़े आंदोलन में कई बार ये संभव नहीं होता है। तो सरकार अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे, जैसे उसने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है, लेकिन आंदोलन को कम से कम उसको बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये किसानों का अपमान माना जाएगा। जिसको आप अन्नदाता कहते हैं, जो आपके दिल्ली की सीमाओं पे आके बैठा हुआ है, अपने खिलाफ जो 3 कानून बन गए हैं उनको वापस करने की मांग को लेके और मजबूती के साथ बैठा हुआ है, और
2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 170 से ऊपर किसान मर चुके हैं आत्महत्या करके, ठंड के कारण या हार्ट अटैक वगैरह जैसी बीमारियों के कारण। और हमें उन 3 घोड़ों को भी याद करना चाहिए निहंग साधुओं के, जो 26 जनवरी में टीयर गैस और पुलिस के हमले की वजह से जिनकी जानें चली गई। तो भारी नुकसान हो रहा है जान और माल का, लोग कष्ट सह के भी ठंड में सीमा पे डटे हुए हैं। ठंड हालांकि अब पहले से कम हुई है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और अलाव जला के रोज लोग किसी तरह से रात काटते थे। तो आखिर ये सरकार को ये क्या इतनी भी संवेदनशीलता नहीं है कि वो लोगों को इस कठिनाई में वहां बैठे हुए देखकर भी कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि बूढ़ों को महिलाओं को धरने पे मत बैठाइए। अरे भाई, आप किसानों की बात मान लीजिए, सब लोग वापस चले जाएंगे। अगर आपको भी बूढ़ों और महिलाओं की इतनी चिंता है, और आपको ये तो आपको सोचना चाहिए कि बूढ़े और महिलाएं और बच्चे भी क्यों आ गए हैं निकल के। ये अनोखा आंदोलन है जिसमें पूरे के पूरे परिवार शामिल हुए। तो ये बात मोदी और उनके मंत्रियों को समझ में आनी चाहिए कि ये कोई अराजक तत्वों का, ये कोई आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का, नक्सलियों का आंदोलन नहीं है, ये आम किसान का आंदोलन है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उसको बहुत हल्के में ले रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आंदोलन जो है खत्म हो जाए, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। ये किसानों ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है और वो बिना, उनका कहना है कि बिना 3 कानूनों को वापस करवाए वो घर वापस नहीं जाएंगे। ये बात बहुत साफ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पे जल्दी ही कोई फैसला होगा और आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला जो किसान आंदोलन ने लिया है वो ये है कि 18 तारीख को रेलवे को 4 घंटों के लिए रोका जाएगा। मैं ये देख रहा हूं कि ये सरकार आंदोलनकारियों से निपटने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती है, पुलिस का तो इस्तेमाल करती ही है, बल प्रयोग करती है, झूठे मुकदमे लगाती है। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन में लोगों को मांग पत्र भेज दिए कि आपने आंदोलन में इतना नुकसान किया और आप उसकी आर्थिक भरपाई कीजिए, जबकि अभी ये साबित भी नहीं हुआ था कि उन लोगों का दोष है। उनके खिलाफ मुकदमे थे, वो मुकदमे अभी कोर्ट में सुने भी नहीं गए थे और आपने किसी का जुर्म साबित होने के पहले ही उससे वसूली भी शुरू कर दी। ये तो अजीब बात है। और न्यायालय सारा कुछ देख रही है, हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ये बड़ी दुखद बात है। हालांकि किसान आंदोलन में न्यायालय ने जरूर ये कहा है कि किसान को आंदोलन करने का अधिकार है, और जब सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन रोके, किसान रास्ता रोके हुए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसानों ने नहीं, सरकार ने रास्ता रोका हुआ है। तो ये दिख रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की कुछ सहानुभूति है। निचले स्तर पे हमको ये दिखता है कि पुलिस वालों की भी सहानुभूति है। 8 दिसंबर तक तो हम लोगों को रोका जा रहा था आंदोलन करने से। लखनऊ में हम 15 साथी हिरासत में लिए गए थे, अन्य पार्टियों के लोग भी हिरासत में लिए गए थे जब भारत बंद का आह्वान था।
लेकिन उसके बाद हम लोगों ने कई जगहों पे तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई, प्रदर्शन किए, साइकिल मोटरसाइकिल जुलूस निकाले, लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा धरना हुआ, उनका टेंट उखाड़ा गया 26 जनवरी को, लेकिन सरकार को फिर टेंट लगाना पड़ा क्योंकि उनके एक राज्य अध्यक्ष मनीष यादव अनशन पे बैठ गए और अनशन के सातवें दिन उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दे दी थी, तो पुलिस को उनका टेंट वहां लगाना पड़ा जहां पे पहले 26 जनवरी के पहले आंदोलन चल रहा था। और जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन निरंतर जारी है, यहां भी उसको जारी रखने की का एक संकल्प है भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का। तो ये साफ है कि आंदोलन चलेगा और सरकार धीरे धीरे कमजोर हो रही है, पुलिस अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, वो उस तरह से आंदोलन को नहीं कुचल सकती जैसे वो अन्य आंदोलनों को उसने कुचलने की कोशिश की है, जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम के आंदोलन में दंगा करा के उसको खत्म करने की कोशिश की गई, और दुर्भाग्य से आंदोलन के लिए दुर्भाग्य से कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से सरकार को एक मौका मिला उन धरनों को खत्म कराने का। सरकार वैसी ही कोशिश इस बार कुछ कर रही थी लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम है, आंदोलन बढ़ता जा रहा है और 18 तारीख को रेलवे को रोकने का एक फैसला लिया गया है 4 घंटे के लिए, 12 बजे से 4 बजे। और खबर ये भी है कि शायद रेलवे की यूनियन भी इस आंदोलन में शामिल हो जाए, क्योंकि रेलवे की यूनियन भी रेलवे के निजीकरण के खिलाफ एक आंदोलन कर रही है। हालांकि चूंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए वो एक हद से ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकते, वो अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा सकते, इसलिए उनका आंदोलन इतना मजबूत नहीं है जितना किसानों का है। लेकिन जिस वजह से किसान इन तीन विवादास्पद कानूनों का विरोध कर रहा है, ठीक उसी वजह से रेलवे भी सरकार द्वारा रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रही है, क्योंकि निजीकरण का मतलब यह है कि रेलवे धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में चली जाएगी, जैसे कि खेती किसानी को सरकार देने को तैयार बैठी हुई है। तो अगर रेलवे की यूनियन भी हड़ताल में शामिल हो जाती है तो ये सरकार के लिए एक तरीके से सरकार की मुंह पे कालिक होगी, क्योंकि इसका मतलब ये रहेगा कि अब सरकार के नियंत्रण से चीजें बाहर जा रही हैं। कानून व्यवस्था तो सरकार के नियंत्रण से बाहर चली ही गई थी 26 जनवरी को, लेकिन अगर दूसरे विभाग के कर्मचारी भी अगर बगावत पे उतर आए तो ये सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है 18 फरवरी को रेल रोको का, और इसमें सभी किसान शामिल रहेंगे। और ये भी तय किया गया है कि जो पिछली बार 6 फरवरी को जो चक्का जाम हुआ और उसमें राकेश टिकैत जी ने अलग भूमिका ले ली और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम को एक तरीके से उस कार्यक्रम को वापस लिया गया, उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी, और उसका एक एक भ्रमित करने वाला संदेश गया किसानों के पास, किसानों को समझ में नहीं आया कि चक्का जाम उत्तर प्रदेश में होना है या नहीं होना है, क्योंकि एक संगठन ने चक्का जाम न करने का निर्णय लिया था, लेकिन आपको मालूम है कि इस किसान आंदोलन में कई संगठन शामिल हैं। तो जो अन्य संगठन थे जो राष्ट्रीय स्तर पे चक्का जाम के निर्णय के साथ थे, उनके सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करें या न करें, क्योंकि सब अखबारों में ये छप गया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। ये सरकार की साजिश है आंदोलन को तोड़ने के लिए, वो आंदोलनकारियों के बीच में
मतभेद पैदा करना चाहती है, कुछ संगठनों को अन्य संगठनों के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। सरकार को इस चीज से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये बांटो और राज करो की जो नीति है ये बहुत ज्यादा चलेगी नहीं इस किसान आंदोलन में, क्योंकि मोटा मोटा हर किसान संगठन इस बात को समझता है कि ये कानून जो सरकार ने बनाए हैं 3 कानून, ये किसानों के हित में नहीं है। कहने को ये किसानों के कानून है, असल में ये पूंजीपतियों के हित में है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए। तो 18 तारीख को ये देखना होगा कि क्या सारे संगठन मिलके रेल रोको में शामिल होते हैं या नहीं। कल मुझे ये भी पता लगा कि अब ये फैसला हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से ही जो कॉल दिया जाएगा वही सबको मानना है। ये एक तरीके से आंदोलन को एकजुट करने की कोशिश है, ताकि उसमें कोई मतभेद न पैदा कर सके, कोई फूट डालने की कोशिश न कर सके। तो ये तय हुआ है कि कोई एक संगठन या कोई एक नेता जो कहेगा उसको आंदोलन की तरफ से नहीं माना जाएगा कि वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल जो लोग हैं वो जब मिल के फैसला करेंगे तो उस सामूहिक फैसले को ही आंदोलन का फैसला माना जाएगा। और इसलिए जो भी चक्का जाम या रेल रोको या इस तरह के कार्यक्रम लिए जाएंगे, अब उसका संदेश संयुक्त किसान मोर्चा से ही आएगा। कोई एक संगठन अपना अलग से फैसला नहीं लेगा, ऐसा वहां पे तय किया गया। तो 18 तारीख को देश में चलने वाली सभी रेलगाड़ियों के पहिए 4 घंटे के लिए रुकेंगे। एक तरफ यह आंदोलन को मजबूत करेगा और दूसरी तरफ ये सरकार को इस अर्थ में कमजोर करेगा कि रेलवे अभी फिलहाल सरकार का ही विभाग है, उसमें काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। लेकिन अगर अपनी नौकरी की परवाह किए बिना रेलवे के कर्मचारी भी किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम करने में मदद करते हैं, क्योंकि वही है जो रेल का इंजन भी चलाते हैं, हरी झंडी भी दिखाते हैं, सिग्नल भी देते हैं, तो अगर ये सारे कर्मचारी शामिल हो गए तो निश्चित है कि पूरे भारत भर की रेल 4 घंटे के लिए रुक जाएगी। और ये मोदी सरकार के मुंह पे बहुत बड़ी कालिख होगी, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि अब रेलवे सरकार के अधीन नहीं है, रेलवे के कर्मचारियों ने सरकार का आदेश मानने से मना कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को एक सफल चक्का जाम का कार्यक्रम होगा और पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। 26 जनवरी को जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई, उस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोई अराजक तत्व 18 तारीख को आंदोलन में प्रवेश करके उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेगा, या अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको आंदोलन के जिम्मेदार साथी उसको रोकेंगे ऐसा करने से, ऐसा हम मानते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि सरकार देखिए किस किस तरीके से आंदोलन से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। 4 फरवरी को चौरी चौरा दिवस था, इसी दिन चौरी चौरा का थाना जलाया गया था, जब पुलिस फायरिंग में 3 लोग मर गए थे, चौरी चौरा में लोगों ने इकट्ठा होके उस थाने को जला दिया था, क्योंकि उसमें 22 सिपाही थे, वो सब मारे गए। उसके बाद
सिपाहियों को मारने और थाने में आग लगाने के जुर्म में 19 लोगों को फांसी की सजा हुई। पहले तो 172 लोगों को फांसी की सजा हो गई थी निचली अदालत से, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसमें सिर्फ 19 लोगों को फांसी की सजा दी और 110 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। वो हिंसा का रास्ता कभी अपना ही नहीं सकते थे और हिंसा का कभी समर्थन नहीं कर सकते थे। जबकि कांग्रेस के दूसरे नेता इस पक्ष में थे कि आंदोलन तेज हो गया है चौरी चौरा थाना दिल्ली से, लोगों के अंदर से अंग्रेज सरकार का डर खत्म हो गया है, इसलिए आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए और संपूर्ण आजादी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका लक्ष्य हासिल करना चाहिए। लेकिन गांधी जी नैतिक व्यक्ति थे, उनका मानना था कि आंदोलन अहिंसक तरीके से होना था, ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अगर आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है तो आंदोलन के मुख्य नेता होने के नाते वो उसका प्रायश्चित भी करेंगे और वो आंदोलन को कुछ समय के लिए रोकेंगे, ताकि जब तक लोगों को ये बात समझ में ना आ जाए कि आंदोलन कैसे करना है। उनका कहना था कि लोगों को ठीक से प्रशिक्षण नहीं मिला है आंदोलन करने का, तो उनकी उन्हें उम्मीद थी कि जब आंदोलन वापस लिया जाएगा तो लोग चिंतन के लिए मजबूर होंगे और जब लोग चिंतन करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। ये सबको मालूम है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, उस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया था बल्कि उसकी निंदा की थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के बीच में ये फैसला लिया है कि वो चौरी चौरा की घटना को गौरवान्वित करेगी। जो पुलिस वालों ने 3 लोगों को गोली मारी, उन लोगों को नहीं, जो पुलिस वाले जेल गए और थाना जलाए, जो पुलिस वाले जो जलाए गए जब थाना जलाया गया, उनको जो जो जलाने वाले लोग थे उनके परिवारों के लोगों को गौरवान्वित किया गया, सम्मानित किया गया। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि गांधी जी का निर्णय सही नहीं था और वो सच्ची राष्ट्र भक्त सरकार है जो आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्ववादी संगठनों की दिक्कत यह है कि उन्होंने आजादी के आंदोलन का साथ दिया नहीं। जब आजादी के आंदोलन में लोग आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, नौकरियां छोड़ रहे थे, तो आरएसएस के लोग नौकरियों में अंदर जा रहे थे, व्यवस्था में घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे। कुल मिला के विनायक दामोदर सावरकर अकेले थे जो जेल गए आजादी के आंदोलन में, और वहां जाके भी अंदर से उन्होंने माफी मांग ली और माफी मांग के बाहर निकल आए। अंग्रेजों से सिर्फ 3 लोगों ने माफी मांगी आजादी आंदोलन के दौरान, और उन 3 में 2 सावरकर बंधु थे। यानी जो काम महात्मा गांधी ने नहीं किया, जो अटल, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, जो सरदार पटेल ने नहीं किया, जो भगत सिंह ने नहीं किया, जो चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया, जो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने नहीं किया, चाहते तो ये सब भी अंग्रेजों से माफी मांग के जेल के बाहर आ सकते थे या अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और चंद्रशेखर आजाद
का संकल्प था कि वो कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार होंगे ही नहीं। तो जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। ऐसे बहादुर जाबाज जज्बाती नौजवान जिनके जज्बे के कारण भारत को आजादी मिली, और दूसरी तरफ वो स्वार्थी लोग जो व्यवस्था पे कब्जा करना चाह रहे थे, जो आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे, उल्टे गांधी जी की हत्या का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए इससे ज्यादा देशद्रोही बात क्या हो सकती है कि लोग आजादी का आंदोलन का साथ दे रहे हैं, गांधी जी को पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और वो सबसे बड़े जन नेता थे, जन सबसे बड़ा जनाधार गांधी जी का था। ऐसे नेता के हत्या का प्रयास किया जा रहा था हिंदुत्ववादी लोगों द्वारा, जिसमें सावरकर, गोडसे और ये सारे लोग शामिल थे, और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं जो गांधी जी की हत्या का प्रयास कर रहे थे और अंत में उनको मार डाला। तो इनकी ये दिक्कत है कि इनके ऊपर एक कलंक है और अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आजादी के आंदोलन के सच्चे हिमायती हैं, क्योंकि ये आजादी के आंदोलन में जो हिंसा करने वाले लोग थे उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। तो ये जो प्रयास है ये कुत्सित प्रयास है नरेंद्र मोदी सरकार का, ये सफल नहीं होगा। और देखिए कि कितनी विरोधाभासी बात है कि आप आजादी के आंदोलन में उन आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं, उनको गौरवान्वित कर रहे हैं जिन्होंने थाने को जला दिया, पुलिस वालों को जला दिया, लेकिन दिल्ली के आंदोलन में 26 जनवरी को जब लोगों का पुलिस से आमना सामना होता है और कुछ हिंसा होती है लोगों की तरफ से, उस समय आप लोगों को गलत बता देते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। तो अंग्रेजों ने भी यही किया था कि भाई जो लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा किया था। तो अंग्रेज की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार में फिर अंतर क्या रह गया, अगर आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा ही होना है तो दोनों सरकारों में क्या अंतर। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोधाभास देखिए कि चौरी चौरा की हिंसा को का वो समर्थन कर रही है, जो कहीं बड़ी हिंसा थी जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए, और दिल्ली की हिंसा जिसमें सिर्फ एक किसान का बेटा मरा, उस हिंसा की वो आलोचना करती है, लेकिन चौरी चौरा की हिंसा का वो समर्थन करती है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है और उम्मीद है कि लोग इसको समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है कि किसान आंदोलन के बीच में चौरी चौरा की घटना को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाना, उसको गौरवान्वित करना और ये कहना कि साल भर ये कार्यक्रम चलेगा शहीदों को सम्मानित करने का जो चौरी चौरा की घटना में शामिल थे। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है, ये राजनीति है। आप किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए आप सोच रहे हैं कि लोग आपकी राष्ट्रवादी जो आप एक राष्ट्रवादी लहर चलाना चाहते हैं उसमें लोग बह जाएंगे, किसानों का साथ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि लोग जो आंदोलन के साथ जुड़े हैं वो बहुत मजबूती से जुड़े हैं। वो लोग आपके द्वारा डराने धमकाने से जाने वाले नहीं है, ये बात तो बहुत साफ है, क्योंकि जब गाजीपुर बॉर्डर पे बिजली काटी गई, पानी काटा गया, तो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से औरतें सर पे मटके लेके आ गई पानी के, लोगों के अंदर डर खत्म हो गया है नरेंद्र मोदी सरकार का, जिस तरह से चौरी चौरा में लोगों का डर खत्म हो गया था और उन्होंने पुलिस थाने पे हमला कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि कोई अप्रत्याशित हिंसा की घटना हो,
आंदोलन अभी तक बहुत शांतिपूर्ण रहा है। इसके लिए आंदोलन कर्मियों को बधाई कि उन्होंने इतना लंबा आंदोलन शांतिपूर्ण चलाया। उम्मीद है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहेगा और जो नरेंद्र मोदी की कोशिशें हैं इसको बदनाम करने की, चाहे वो उनको खालिस्तानी नक्सली कह के, चाहे वो चौरी चौरा को गौरवान्वित करके और किसान आंदोलन को बदनाम करके, सड़क पे कील लगा के, पानी बिजली काट के, लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके, रेलवे की के रूट को बदलकर जो आने जाने के मार्ग हैं उनको बाधित करके वहां इस तरह की बाधाएं खड़ी कर देना, कंक्रीट की, पत्थर की, धातु की, कि लोग आ जा ना सके, ये अब लोगों के लिए बहुत छोटी चीज है। लोग इन बाधाओं को पार कर जाएंगे, आप चाहे जितनी बड़ी बाधा खड़ी कीजिए, और लोग आंदोलन स्थल पे पहुंचेंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे वो अपनी अपनी जगह आंदोलन करेंगे। जैसे सोशलिस्ट किसान सभा, जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की किसान इकाई है, उसने तय किया है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें हो रही हैं भारतीय किसान यूनियन की, उसी तरह से सोशलिस्ट किसान सभा हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ के ग्रामीण इलाके, बाराबंकी वगैरह में किसान पंचायतें करेगी। मुरादाबाद में भी कोशिश है, पूर्वांचल में कोशिश है, इन किसान पंचायतों को करके हम राष्ट्रीय स्तर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें अपना योगदान देंगे, उस आंदोलन को यहाँ से मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार जल्दी से जल्दी इन काले कानूनों को वापस ले, जो किसान पे के सर पर एक तरीके से तलवार लटक रही है इन कानूनों की, कृषि को पूरी तरीके से निजी कंपनियों के हाथ में देने की जो तैयारी है, ये जो खतरा है किसानों के ऊपर, ये जो संकट खड़ा हुआ है, ये संकट टलेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और नहीं तो जैसा मैंने कहा, आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज ही होने वाला है, कम तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।